खिलाड़ी यार मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे रियलिटी शोज देखने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन नॉन फिक्शन शोज़ करने में और देखने में फ़र्क होता है। तो मुझे देखने बहुत मज़ा आता है, उनके ट्विस्ट टर्न्स, जो एपिसोड्स होते हैं, जो मसाला होता है, बहुत मज़ा आता है। मैं पर्सनली ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बट जो भी देखता हूँ तो मैं बहुत मज़े से देखता हूँ, बहुत उसका लुत्फ़ उठाता हूँ। मुझे खतरों के खिलाड़ी डेफिनेटली यार, मतलब आई पर्सनली, मैंने अब तक जितने भी लाइफ में अपने स्टंट्स किए हैं मोस्टली खुद ही किए हैं, तो कभी मौका मिला और कभी समय मिला, आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ सच शोज जहाँ पे आपको जाके स्टंट करना पड़े। आई थिंक इट्स अ रश, बहुत मज़ा आता है। तो इस सीजन में आपके कौन से फ्रेंड्स हैं और आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? यार आई थिंक रुबीना है, मोहित है, मैं हालांकि उन्हें पर्सनली जानता नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहती है हमारी, बट मोहित डेफिनेटली, मैंने मोहित का काम किया है, सो अच्छा बंदा है, वेरी नाइस गाय, फैमिली गाय, स्वीट, डाउन टू अर्थ, हार्ड वर्किंग गाय, सो आई एम श्योर कहीं ना कहीं वो बहुत मेहनत करने वाला इसमें है, तो विशिंग हिम एंड एवरीबॉडी ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। फीलिंग तो अच्छी होती है यार हमेशा, कि जब मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई किसी एक्टर का अवार्ड मिलता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसके फैंस को अच्छा लगता है, पूरी फैमिली को अच्छा लगता है, फ्रेंड्स को अच्छा लगता है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, और ग्रेट फीलिंग से ज़्यादा उस एक्टर को कहीं ना कहीं हिम्मत मिलती है कि वो और मेहनत करे, वो अपने कैरेक्टर में और जान डाले, जो मैं हमेशा जब भी मुझे किसी अवार्ड से नवाजा जाता है, पिछले कुछ जितने आई थिंक 6-8-10 अवार्ड्स हुए हैं उनमें मुझे बेस्ट वर्सेटाइल एक्टर का ही अवार्ड मिला है, तो अब कहीं ना कहीं लगता है चलो आई थिंक वर्सेटाइलिटी जो है इज़ द नेम ऑफ द गेम, तो वो कहीं ना कहीं मैं हमेशा अब मुझे यकीन हो रहा है कि वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है। लकली मैंने जितने भी कैरेक्टर्स अब तक किए हैं इतने पिछले 15-16 सालों में बहुत अलग रहे हैं एक दूसरे से, सो कोशिश कर रहा हूँ कि आगे भी जो आप देखेंगे बहुत अलग होगा, बहुत हटके होगा, मत पूछिए होगा क्या, वो मैं आपसे नहीं कह पाऊँगा, लेकिन डेफिनेटली जो होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लिप्स आर सील्ड। एक्चुअली मैंने जो निभाना चाहूँ बहुत सारे किरदार जो मैं निभाना चाहता हूँ, आई थिंक बायोपिक करना चाहूँगा किसी की जो 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 शायद जीवित हो, यू नो मैंने महाराणा प्रताप किया है, मैंने बख्शी जगबंधु किया है जो महान योद्धा थे, लेकिन अब मैं शायद कहीं ना कहीं मेरी इच्छा तो है कि मैं एक ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करूँ जो अभी हमारे बीच हो या नहीं भी हो, बट आई वांट टू प्ले अ बायोपिक, आई थिंक दैट्स समथिंग, आई डोंट नो बिकॉज सी देयर लॉट ऑफ नेम्स इन माय माइंड राइट नाउ, बट आई डोंट टेक एनी नेम राइट नाउ, बट कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फैसिनेटिंग है, मुझे अडोल्फ हिटलर बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, जो बहुत लोग मेरी बात से शायद सहमत नहीं होंगे, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू सी his character graph, his personality, I think नेताजी तो खैर बहुत लोगों ने प्ले किया ही है, भगत सिंह किया है, चंद्रशेखर आज़ाद किया है, अटल जी मैंने सुना है कि वो शायद कोई अभी कर रहा है, ऐसे कुछ चल रहा है, कुछ कहीं प्रोमो देखा था मैंने, तो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं यार, जो कभी मौका मिला तो डेफिनेटली आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बहुत मेहनत होगी बट मज़ा आएगा। जी यस बोलो, अरे अरे या आफ्टर 2 मिनट्स, हाँ यार मुझे सब लोग पूछ रहे हैं कि यार मेरी मूंछ कहाँ गई, मेरी दाढ़ी कहाँ गई, ये हटवाने का मेरे सामने मत रख मूंछ, बट नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं हमेशा हम भी जब भी देखता हूँ मैं इनसे कहता हूँ कि मुझे पर्सनली आई लव फेशियल है, आई लव ग्रूमिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ इट, और पिछले 2-2.5 सालों में जब से लॉकडाउन हुआ था मुझे मौका मिला था कि मैं अपनी बियर्ड को ग्रो करूं, और कहीं ना कहीं लोगों को बियर्ड बहुत पसंद आई,
और अब ऐसा है कि मेरे घर पे मेरी वाइफ जो है रिप्सी कहती है कि यार वापस ग्रो कर लो, लेकिन पता नहीं आती, अच्छा लगता है कि दो ढाई सालों के बाद मौका मिला मुझे, यू नो, टू गो क्लीन शेविंग एंड थोड़ा स्किन का भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग इस बहाने. और अगर किसी को लगा कि कोई अच्छा कैरेक्टर मुझे किसी को लगा अगर मुझे ऑफर हुआ तो ऐसे में तो मैं वो कर लूँगा यार.